मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? देखिए मैं सुबह छत पर आई हूँ और ये देखिए मेरा हिबिस्कस प्लांट, ये फ्लावर हुए, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए ये हाइब्रिड का पत्ता की, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते, और ये देखिए नींबू, गंधराज लेमन, ये देखिए नीचे भी है। मैं तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती, ये अपने आप ही हो जाते हैं। जब छत पर आती हूँ तब अपने आप मन अच्छा हो जाते हैं। अभी तो गार्डन का काम मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके विंटर का पौधा मैं लगा रही हूँ। इधर इधर देखिए डालिया, ये सब डालिया मैंने लगा दिए। इधर थोड़ा पिटूनिया भी मैंने लगा दिया, छोटा छोटा है। और इधर देखिए, इधर मैंने ओनियन लगा दिए, ऐसा ओनियन प्लांट मिलते हैं इधर। देखिए ये सबको मैंने लगा दिया। मेरे पास जमीन तो है ही नहीं, एक छत के एक कॉर्नर पे थोड़ा मिट्टी डालकर पॉलीथीन के ऊपर मैंने इसको लगा दिया एक कॉर्नर में। और इधर देखिए ये मेरा अपराजिता प्लांट, और इसके सीड बन गया। देखिए अंदर देखिए, देखिए कितना बड़ा बड़ा काला काला सीड, देखिए देखिए ये सीड, ये नीचे गिरे तो वो अपने आप अपराजिता बन जाते हैं मेरे यहाँ। ये वायलेट कलर का अपराजिता की सीड मार्केट में भी मिल जाएगा। आज मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं आ गई। और ये देखिए ये प्लांट को देखिए कि कितने फूल एकदम भर गया फ्लावर, देखिए ऊपर से नीच तक फ्लावर ही फ्लावर। इस टाइम पे फ्लावर होते हैं पूरे नीचे तक, देखिए एकदम नीचे तक। इसका नाम बार्लेरिया क्रिस्टाटा या झिंटी प्लांट बोलते हैं। कितना सुंदर देखिए फ्लावर। और ये प्लांट अपने आप हो गए मेरे यहाँ, अचानक ही हुए, ये डेढ़ साल हुए। इधर से भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए इसके जड़ देखिए। देखिए दोस्तों इसके सीड से ये साइड पे बाजू में देखिए और एक प्लांट हो गया मेरा। और मेरे यहाँ तो 6 या 7 इंच की मिट्टी है। देखिए ये मेरा छत है और इसके ऊपर ये ब्रिक्स देकर मैं बाउंड्री की तरह कर दिया। और इसके ऊपर ये मेरा प्लांट है, देखिए 6 इंच मिट्टी या 7 इंच नीचे से, देखिए इतना ही होगा, देखिए। और ये इतना बढ़ गया अपने आप, सीधा होते ही नहीं, इसीलिए मैं एक देखिए स्टिक के सहारे एक रस्सी देकर लगाकर ईटा लगाकर इसको सेट कर दिया मैंने। देखिए एकदम ऊपर तक हो गया मेरा। तो इस प्लांट को अक्टूबर से दिसंबर तक फ्लावर होते हैं एकदम भर भर के, और नवंबर में तो पूरा भर जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद इसके पत्ता एकदम झड़ जाते हैं, एकदम खाली खाली एकदम डांडिया रह जाते हैं। फिर से जब समर आते हैं तब उसका पत्ता सब निकल आते हैं और हरियाली हरियाली सब हो जाते हैं। और मैं क्या करूंगी इस प्लांट को, मैं इधर नहीं मुझे रखना है, इसीलिए इस प्लांट को रिपोर्टिंग करना है। और रिपोर्टिंग का टाइम फरवरी के लास्ट वीक से एकदम मार्च के 20 तारीख तक होते हैं। इस टाइम पे मैं एक बड़ा गमला में, जैसे 12 इंच से 14 इंच तक इतना बड़ा मिट्टी के गमला में मैं इसे लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा इतना बड़ा प्लांट हो गया। और इसको मैं थोड़ा काट भी दूंगी,
ऊपर से जैसे छाटाई कहते हैं ट्रिमिंग, ऐसा ही मैं कर दूंगी, करके गमला में मैं इसको लगा दूंगी। देखिए कितना लंबा हो गया ना पूरा, ये देखिए एकदम सैंडी सॉइल और थोड़ा काऊ डंग इस मिट्टी में था, इसमें ही हो गया। और ज़्यादा केयर करने की इसके कोई ज़रूरत नहीं, और ये फुल सनलाइट का ही प्लांट है, सारा दिन भर इधर ही रहते हैं, फुल सनलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, और ये पानी मांगता नहीं ज़्यादा। मैं तो इधर ज़्यादा पानी देती ही नहीं हूँ, फिर भी वो पूरा ठीक रहते हैं। तो मैं गमला में शिफ्ट करूँगी, तब सॉइल को क्या देना है मुझे, मुझे देना है उस पॉटिंग सॉइल में 60% सैंडी सॉइल और 40% कंपोस्ट, जैसे मैं देती हूँ पुराना काउडंग, उसके साथ थोड़ा फर्मी कंपोस्ट या लिप मोल्ड पत्ते की खाद एक साथ मिला देती हूँ, और 1 टीस्पून बोन मील, 1 टीस्पून नीम खली और 1 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर उस मिट्टी में मैं मिला दूंगी। बस वही काफ़ी है, और ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं देती हूँ सरसों की खली महीने में एक बार या दो बार, सब पौधा में सरसों खली 2 दिन भीगा कर इतना सारा सरसों खली इस प्लांट के लिए, मतलब इस प्लांट के लिए 1 टीस्पून या 2 टीस्पून सरसों खली 2 दिन पानी में भिगा दूंगी, और वही पानी छान कर उसके साथ एंटी फंगल पाउडर मिलाकर और थोड़ा पानी मिलाकर पतला करके मैं दे दूंगी। बस यही फर्टिलाइजर, ज़्यादा कोई कुछ देने की ज़रूरत है ही नहीं इस प्लांट को। दोस्तों देखिए ये पेरिनियल प्लांट है, साल भर आपके गार्डन में शोभा देते हैं, पूरा हरियाली हरियाली हो जाते हैं, और इसके बहुत सारे कलर होते हैं जैसे पर्पल, येलो, ये तो मेरा सफ़ेद कलर है मेरे पास। इसको अगस्त में आपको पिंचिंग करना है। कैसे पिंचिंग करना है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये सब भी फूल भर गया, ये जो देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, इसको काटना है, ऐसे ही काट कर फेंक देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे पिंचिंग करना है, पूरा प्लांट में ही करना है। इसमें क्या होगी, ज़्यादा डाली निकलेगी और फूल ही फूल पूरा भर जाएगा एकदम। अक्टूबर से फूल देते हैं एकदम दिसंबर तक, इसीलिए 3 महीने पहले से पिंचिंग करना चाहिए। अगस्त से ही आप शुरू कर दीजिए, 3-4 बार आप पिंचिंग कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर महीने में एक बार पिंचिंग करना ही होते हैं इसको। और पिंचिंग करने के बाद क्या होगी, ये पूरा एकदम गोल टाइप का, एकदम बुशी टाइप का हो जाएगा, एकदम देखने में बहुत सुंदर लगेगा। मैं अभी दिखा रही हूँ ये कितना लंबा हो गया, जैसे मैं पिंचिंग किया ही नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इसे रख दिए, और इसके बाद मैं जब दिखाऊंगी देखेंगे आप लोग पूरा एकदम गोल टाइप का एकदम हो जाएगा। और इसके सीड इसके फ्लावर के अंदर ही होते हैं, और फ्ली सीड ऐसा बारीक बारीक होते हैं जो ऊपर से नीचे मिट्टी में गिरते हैं, आप उठा नहीं पाएंगे, इसीलिए आप कटिंग से लगा देंगे तो कटिंग से भी हो जाते हैं, सीड से भी हो जाते हैं, सबसे ये ग्रो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। दिखने में कितना सुंदर, देखिए एकदम फूल भर गए, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये है बहुत कीड़ा लग जाते हैं इसमें। देखिए इसमें अभी भी कीड़ा है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह का मिली बग टाइप का कीड़ा हो जाते हैं, पूरा मेरे हाथ के ऊपर भी लग गया, देखिए इस टाइप का कीड़ा हो जाते हैं, इधर पत्ते में भी है, कीड़ा लग गया, देखिए कितना कीड़ा लग गया। इसीलिए क्या करना है, एवरी मंथ 2 बार या 3 बार आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल मिला दीजिए, उसके साथ 1/2 चम्मच डिश वॉशर लिक्विड मिलाकर शाम 5 बजे के बाद स्प्रे कर दीजिएगा। और उसमें भी नहीं गए तो मैं जैसे बोलती हूँ रोगोर प्लस, करेंट, रॉकेट, बहुत सारे पेस्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं, आप वो सब लेकर आइए, और रोगोर प्लस देंगे तो 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करना है, महीने में 2 बार 3 बार
मतलब ज्यादा कीड़ा हुए तो वीक में भी एक बार करके आप स्प्रे कर दीजिएगा शाम 5 बजे के बाद, सुबह नहीं। जो कुछ पेस्टिसाइड देना है सब शाम के बाद ही देना है। और देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, देखिए देखकर ही मन अच्छा हो जाते हैं। दोस्तों आज बहुत सारे बात आप लोगों से मैं कर दी, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे बात मैं करती हूँ जो आपके काम आएगा। और आज यही तक, अगले नए नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।